हुए श्री विदुर जी महाराज। विदुर जी महाराज धर्म के अवतार बताए गए। देखिए भगवान कितना सरल है, ये इस कथा से आपको मैं शिक्षा देना चाहता हूं। मैं हर कथा से कोई ना कोई सूत्र आपको देने आया हूं, क्योंकि कथा तो आप सुनते रहते हैं, और कथा भले याद ना रखना, मेरा सूत्र याद रखना। हमारे धर्म के गोविंद कितने सरल है इस कथा से सीखो। मुझे माफ करना, आज समाज में बहुत से व्यक्ति जो बौद्ध धर्म के मानने वाले, कुछ तथा कथित अंबेडकरवादी अपने आप को जो मानते हैं, सही से जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं जानते हैं, सही से वो विपरीत मानसिकता के लोग कहते हैं कि हिंदू सनातन धर्म जात पात फैलाता है। कहते कि नहीं कहते? तमाम वीडियो आते हैं। जो वास्तव में भीमराव जी को नहीं जानते, मैं उनकी बात कर रहा हूं, मेरे शब्दों पर ध्यान देना, वो लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, हिंदू सनातन धर्म जात पात फैलाता है। अरे कब फैलाई हमने जात पात? हम सतयुग में आए तो राजा हरिश्चंद्र ने डोम के घर में पानी भरा, हमने उसको गले लगाया। त्रेता आया तो राजा राम क्षत्रिय वंश में हुए, जंगल सबरी के पास गए, सबरी ने कहा राम क्या रावण को मारने आए हो? राम जी ने कहा नहीं सबरी, मैं तुम्हारे पास आया हूँ तुमसे मिलके। हजारों कोस राम अगर पैदल चल के आया है तो माँ शबरी तुम्हारे लिए, ताकि दुनिया जब हिंदू सनातन धर्म पर प्रश्न उठाए तो ये कथा उनको शिक्षा दे सके कि एक क्षत्रिय राजा राम एक शबरी के यहाँ पैदल चलकर उसको गले लगाने अंतिम समय तक गया था। वो धर्म है हमारा सनातन धर्म। द्वापर आया तो हमने विदुर के यहाँ गले लगाया। कलयुग आया तो चाहे संत रैदास हो, चाहे महाराष्ट्र के संत चोखा मेला हो, हमने सबको गले लगाया। और सही मायने उनको ये नहीं पता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो नाम है, अंबेडकर सरनेम है, वह भी देने वाला एक ब्राह्मण है, केशव कृष्ण अंबेडकर। पर चूंकि पढ़ा नहीं, अध्ययन है नहीं, थोड़ी सी पॉपुलरिटी मिल जाए, थोड़े सी पहचान मिल जाए, तो किसी धर्म को पकड़ लिया और बदनाम करना शुरू कर दिया। हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, पर हमारे धर्म पर यदि उंगली उठाओगे तो उंगली झुकेगी नहीं, बल्कि उंगली कटेगी साहब। बहुत हो गया हमारे धर्म पर अत्याचार, बहुत बना ली फिल्में गंदी गंदी, बहुत बोल गए तुम, अब वो समय नहीं बचा। भारत का हिंदू सनातन का युवा अब जाग चुका है, अब अगर उंगली उठेगी तो उंगली कटेगी, बल्कि सर झुकेगा नहीं। हमारे भारत का युवा आज मैं देखता हूं, महाराज सीना चौड़ा हो जाता है, जिस तरफ देखो हिंदुत्व की लहर है, होना भी चाहिए। अरे जिस धर्म में हम पैदा हुए उस धर्म के लिए अगर हम बोल ना पाए तो क्या जीवन, ऐसा धिक्कार ऐसे जीवन को। धर्मो रक्षति रक्षिता, यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। देखो मेरा गोविंद कितना सरल है, कितना सरल है गोविंद। धृतराष्ट्र के सचिव है श्री विदुर जी महाराज। विदुर जी महाराज एक दिन धृतराष्ट्र को समझा रहे थे कि राजन एक काम करो, एक ऐसा ये जो महाभारत हो रहा है इसको रोक दो, अपने पुत्र दुर्योधन को समझाओ, ये गलत कर रहा है, बेचारे पांडव सिर्फ इससे 5 गांव चाह रहे हैं, ये वो भी नहीं दे रहा है। धृतराष्ट्र सुन तो रहा है लेकिन पुत्र मोह में अंधा है। अच्छा मित्र मिला लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है।